गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेद सर। हम लोग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में करीब करीब 8-9 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग को पाइप फिटिंग्स चल रहा था। पाइप फिटिंग में क्या था कि कुछ टॉपिक पढ़ लिया, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्लम्बरिंग शॉप। तो आपने देखा था कि उसमें कुछ टॉपिक्स देखे थे कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग्स में बनाते हैं, घर बनाते हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, हर जगह प्लम्बिंग शॉप को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिखाया गया है। तो उसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। कुछ जॉइंट्स के हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज वही टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। जैसे कि देखिए, आप ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जिससे कि आप लास्ट की वीडियो देखेंगे। ठीक, अगर आप लास्ट की वीडियो देखते रहेंगे, सिर्फ देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, अगर आप नहीं पढ़ते, सिर्फ देखते रहेंगे, तब भी ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे इससे पहले हमने चार, इसमें जो कंपोनेंट्स के चार फिटिंग, 4 नंबर्स तक हमने देख लिया था। आज 5th नंबर है निप्पल। अब देखिए निप्पल्स क्या है, इसको हमें डिस्कस करने की इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपके आप जो उसमें जो आप आईटीआई करते हैं, तो उसमें फिटिंग में, टर्नर में, बिल्डर्स में, ये सब जगह इसका यूज़ है। ठीक, और आप जब टेक्नीशियन का देते हैं या पार्ट, जब आप कभी टेक्निकल की बात आती है, तो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनके पूछता है किस मटेरियल का बना होता है, इसका साइज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में छोटी लग रही होगी ये, लेकिन आपको याद होना चाहिए इस बात को कि रेलवे लोको पायलट में भी बहुत बेसिक चीज़ पूछ रखा था। तो आज, और आपके डिप्लोमा में लिखने के लिए आता है। तो हम लोग बात करेंगे निप्पल्स क्या है। तो दिस इज़ द शॉर्ट बट ऑफ द पाइप दैट वर्क इन कनेक्टेड बिटवीन टू अदर फिटिंग हैविंग मेल थ्रेड्स। अ क्लोज्ड निप्पल इज द टाइप ऑफ फिटिंग हैविंग कंटिन्यूअस थ्रेडिंग ऑन देम। दे आर मोस्टली यूज टू होसेस एंड प्लम्बिंग, अवेलेबल इन ब्रास, क्रोम प्लेट, ब्रास, मेलाबल, गैलोनाइज्ड एंड पीवीसी, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील। कहने का मतलब है कि ये किस मटेरियल का बना होता है, पहले तो इसको समझे निप्पल क्या है। निप्पल एक पाइप का कैसा छोटा सा पार्ट होता है कि जो दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं और दो पाइप्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। बात को समझ में आया कि एक ऐसा पाइप्स का छोटा सा भाग होता है जो किसी दो पाइप को जोड़ने के काम में लिया जाता है। बात क्लियर है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो चूड़ियाँ कटी होती हैं, मेल चूड़ियाँ होती हैं, मेल्स थ्रेडेड होते हैं, और ये ब्रास का बना होता है, कॉपर क्रोम प्लेट्स का, और पीवीसी का, कॉपर का, स्टेनलेस स्टील का। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूशन। जैसे नाम से ही आपको देख रहे हैं कि नाम क्या है, रिड्यूसर। रिड्यूसर मतलब होता है किसी चीज़ को घटा देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, कम कर देना। जैसे मान लीजिए आपका पानी का पाइप है, तो पानी का पाइप बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कहीं जो आप समरसेबल कराए, समरसेबल देखते हैं ना, बहुत आपने 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच का ऐसे होता है, लेकिन ऊपर का जो आपका नल का टोटी लगा होता है, जिसे आप टोटी बोलते हैं हिंदी में, नल का टोटी लगा होता है, बहुत पतला होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो कहने का मतलब वहाँ पर क्या लगेगा, रिड्यूसर लगेगा। तो रिड्यूसर का काम क्या होता है कि किसी भी पाइप में या किसी भी पाइप के होल्स को कम करना। होल्स को कम करके क्या कर सकते हैं, हमें पानी का फ्लो तेज कर सकते हैं, पानी में प्रेशर बना सकते हैं, और इसलिए ये आपको जो जितने नल की ट्यूब्स, नल के टोटियाज लगी होती हैं, ये रिड्यूसर लगा के उसके बाद उसको छोटी कर दिया जाए, क्योंकि पाइप तो मोटा आता है भाई, सप्लाई का पानी आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आता है, उसके बाद हम उसको प्रेशर में करने के लिए ये रिड्यूसर का उपयोग करते हैं। बात क्लियर हो रही। फिर हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ऐसे आपको फिगर में भी दिखाया गया, दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी, इसमें नट है, नट टाइप का, जिसे आप टाइट कर सकते हैं। ठीक, दिस पाइप सेटिंग यूज टू रिड्यूस द फ्लो साइज ऑफ पाइप फ्रॉम द बिगर एंड स्मॉलर टू टू काइंड ऑफ रिड्यूसर, कनेक्टेड रिड्यूसर एंड इलेक्ट्रिक रिड्यूसर, इसेंट्रिक रिड्यूसर। दे कहने का मतलब रिड्यूसर का एक ऐसा काम, बस बेसिकली ये समझिए कि जो किसी भी व्यास डायमीटर को कम करने के लिए, पाइप का डायमीटर कम या फ्लो कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टी।
अब देखिए टी नाम ही है, टी टी मतलब होता है टी के आकार का। टी के आकार का आप देखते हैं, वर्टिकल का वर्टिकल लेंथ होती है, उसके बाद हॉरिजेंटल होती है, बीच में वो वर्टिकल लगा होता है। तो तीन तरह का उसमें तीन साइड्स होते हैं, समझ लो एक को दो साइड्स, उसके बाद एक नीचे। तो कहने का मतलब है टी के शेप की पाइप फिटिंग यूज टू प्लम्बिंग सिस्टम यू नॉन इनलेट एंड टू आउटलेट्स। कहने का मतलब एक तरफ से इनलेट हो रहा होगा तो दो तरफ से आउटलेट, और इनलेट मतलब होता है एक तरफ से पानी अंदर जा रहा होगा और दो तरफ से बाहर निकल रहा होगा। बात क्लियर हो रही है? तो टी जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट्स है जिसमें कि आपको तीन डायरेक्शन में पानी का, दो डायरेक्शन भाई तीन डायरेक्शन में, इसलिए समझ, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से तो पानी आएगा और दो तरफ पानी फ्लो कर जाएगा। कहने का मतलब है दो डायरेक्शन में पानी को फ्लो कराने के लिए एक इनलेट में आएगा एक। तो कहने का मतलब किसी भी डायरेक्शन में दो तरह से दो पाइप को जोड़ के किसी दो स्थान पर पानी को सप्लाई करने के लिए टी ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर हो रही? ये भी आपका ब्रास का, स्टेनलेस स्टील का, पीवीसी का आपको बना होता है, मटेरियल के बने अवेलेबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसी में थोड़ा सा। अब देखिए इसका कैसे कैसे किया जाता है। देखो अरेंज्ड इन द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल पे अरेंज किए जाते हैं इन द मेन पाइप्स, मेन पाइप में। दिस काइंड ऑफ फिटिंग यूज टू कनेक्टेड इन द टू पीस, इसको दो पीस में कनेक्ट किया जाता है। मेक अप द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इन वन, और एक तरफ से डायरेक्शन ली जाती है। द थ्री साइड्स ऑफ फिटिंग इन द सेम साइज इज कॉल्ड इक्वल ट्री, अदरवाइज अनइक्वल ट्री। कहने का मतलब है कि जो टी, सॉरी ट्री नहीं, ट्री। तो कहने का मतलब है कि पाइप पे 90 डिग्री फिट गया है, 90 मतलब किसी एंगल पे 90 डिग्री, मतलब आप जो 90 अंश के कोण पे फिट होता है। और बात इसमें ये होती है कि एक तरफ से पानी आता है, आता है मतलब कि पानी एक तरफ से किसी नल से या पंप से आएगा, और दो तरफ पानी आउटलेट होगा। आउटलेट मतलब होता है दो तरफ से पानी बाहर निकलेगा, बाहर की ओर सप्लाई देगा। ठीक, ये 90 डिग्री पे लगे होते हैं। उसके बाद कभी इसमें यह है कि इसके मतलब यूज कैसे किया जाता है, इसके टू पाइप्स होते हैं तो ये सेम डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है कॉल्ड इक्वलिटी। अगर वो सेम डायरेक्शन में या सेम पाइप फिटे है तो इक्वलिटी माना जाता है, अदरवाइज अनइक्वलिटी। इक्वल मतलब होता है जिसका, कहते हैं ना लाइक एंड डिसलाइक, इन लाइक एंड अनलाइक। अवेलेबल किस में होता है? एबीसी, एबीएस में होता है, कॉपर में होता है, सीपीवीसी होता है, पीवीसी होता है, ब्रास, क्रोम, ब्रास प्लेट, मेलाबल एंड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? आप आपके देखिए जितनी आप आज समय मॉडर्न में जो हाउसेज बन रहे हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी के घर बन रहे हैं, उसमें जो नल की टोटियाँ होती है, देखिए आप एकदम स्टील की तरह चमकती रहती है। और स्टेनलेस स्टील उस पर कभी जंग नहीं लगता, कभी जल्दी ख़राब नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो इन सब इसलिए ज़्यादातर वो अच्छी भी देखने में शोपीस लगती हैं। ठीक, तो ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील की आपका ये सारी चीज़ें लगने लगी जो चमकती रहती हैं हमेशा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्रास। सॉरी, क्रास। क्रास क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ पाइप फिटिंग कंटिन्यूअस फोर डायरेक्शन, कहने का मतलब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टी, टी में क्या होता है, एक इनलेट हो रहा था, दो आउटलेट हो रहे थे। अब इसमें क्या है, एक इनलेट होगा, थ्री आउटलेट। कहीं पर हमें तीन जगह पे पानी एक साथ सप्लाई करना हो और अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन लगाते हैं, क्रॉस जॉइंट्स लगाते हैं, क्रॉस क्रॉस को लगाते हैं, क्रॉस पाइप। तो इसमें क्या है, आप चार तीन डायरेक्शन में पानी का फ्लो करवा सकते हैं। ठीक, और तीनों हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ये सारे जोड़ हमेशा 90 डिग्री पे लगे होते हैं। कहने का मतलब ये जोड़, ये जो क्रॉस होगा 90 डिग्री पे होगा, एक तरफ भाई एक तरफ तो नल से कनेक्ट होगा, इनलेट होगा और तीन आउटलेट होंगे। इनलेट मतलब हो जिधर से पानी आ रहा है, आउटलेट मतलब जिधर पानी की सप्लाई हमें करना। मान लीजिए आपके घर से आपने मेन सप्लाई में इसको लगाया, तो आपको अपने किचन में पहुँचाना, वॉशरूम में पहुँचाना है, और कहीं एक जगह और पहुंचाना है, तो ये हमें क्या करना है, टी क्रॉस यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या है, हमारी पानी की सप्लाई थ्री डायरेक्शन में हो जाती है। बात क्लियर हो रही? इसके डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें क्या क्या आएगा, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं क्या है। और ये भी वही, ये भी जिससे अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे किस मटेरियल का बना होता है, ये ज़्यादातर उसी स्टेनलेस स्टील, पीवीसी और आपका ब्रास स्टील, एबीएस, इन्हीं सब चीज़ों का बना होता है। अब देखिए इसमें ओपनिंग इन ऑल
दे आर फोर मेजर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, होती है चार डायरेक्शन में होता है। दिस फिटिंग इज एडजॉइंट टू फोर पाइप्स, इसको फोर पाइप से फिट किया जाता है। मीट एट कॉमन पॉइंट, और एक कॉमन पॉइंट पे इनको मिलाया जाता है। कॉमन पॉइंट मतलब है, कहने का मतलब कॉमन पॉइंट वो पॉइंट्स है, वहीं देखिए एक क्रॉस है तो एक ही पॉइंट पे तो सब मिल रहा है, और इसी तरफ से होल है, चारों होल एक ही जगह पे मिल रहे हैं, ठीक। और दूसरा बात आती है, देयर इज आइदर वन इनलेट एंड देयर थ्री आउटलेट, वाइस वर्सा इन फोर वाटर एनी अदर लिक्विड इन फोर डायरेक्शन, दीज काइंड्स ऑफ पाइप फिटिंग टू कॉमनली यूज इन द स्प्रिंकलर सिस्टम अवेलेबल इन मार्केट में। किस मटेरियल को अवेलेबल है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ब्रास का मेलाबल एंड स्टेनलेस। मेलाबल मतलब क्या होता है भाई, मेलाबल एक स्टील का या लोहे की धातु होती है जो पतली चादर के रूप में बनाने का, मेलाबल मतलब होता है आघातवर्धक पदार्थ, उसके लिए ये सब यूज़ किया जाता है। अभी चीज़ कि हम लोग यही पहले डिस्कस कर रहे थे, वही डिफिनेशन में कैसे लिखना है ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए बहुत आसानी से बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक को लेके एकदम आपको हम एक एक चीज़ बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ठीक है कुछ अच्छे कॉन्टेंट दे रहे हैं, ओके, थैंक यू, गुड बाय सभी को, और गुड डे, आप लोग अच्छे रहें, थैंक यू।